क्लासिक्स की साइंस है और इसके सेकंड चैप्टर से कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी फूड के अवयव। अब एक बात एक वर्ड आता है न्यूट्रिएंट्स, ऐसी चीज है जो फूड में होना जरूरी है, ऐसी चीजें जो हमारे ग्रोथ के लिए हमारे फूड की क्वालिटी के लिए जरूरी है, जो हम हमारे एनर्जी के लिए जरूरी है, इन सभी चीजों को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। अब हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट, अब एक बात फिर से मैं पीछे बता दूं, न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिला तो क्या होगा? अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तो डिफिशियंसी डिजीज या कुपोषण जनित रोग हो जाता है। कुछ लोगों को देखे होंगे हाथ पैटे हो जाते हैं, हाथ पैटे हो क्यों, उस पर विटामिन की कमी मिली। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पेट बड़ा हो जाता है, हाथ पैर पतले होते हैं, उनको क्वास्क्यूलर डिजीज हो जाता है, या बहुत सारे डिजीज जो है इसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होते हैं। तो आगे हम फिर चले टॉपिक से कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं इनर्जी गिविंग फूड, इनर्जी देने वाला पोषक तत्व। आप देखते हैं कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, रिक्शा को पुल करता है, ठेला चलाता है, शरीर से मेहनत करता है, तो ऐसे आदमी को भोजन में कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। और वो कार्बोहाइड्रेट उसे मिलता कहाँ से है, सोर्स क्या है इसका, ग्लूकोज, शुगर कह सकते हैं, ग्लूकोज है, स्टार्च है, राइस चावल फीट और पोटैटो। चावल से जितना वो चावल खाएगा, रोटी खाएगा, आलू खाएगा, तो उसकी बॉडी को क्या मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। और जब कार्बोहाइड्रेट मिलेगी तो उसमें काम करने की शक्ति क्या होगी, बहुत बढ़ जाती है, वो काफी काम करता है। दूसरा कंपोनेंट से फैट्स, फैट्स को हिंदी में वसा कहते हैं। फैट्स की पहचान कैसे, अगर हाथ मिलेगी करेंगे तो स्लिपी होगा। फैट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के दुगुने से ज्यादा, दुगुना नहीं तो मोर देन टू टाइम्स हमको एनर्जी देता है। अगर आदमी को एक चम्मच घी खिला दिया जाए और उसको खिलाने के बाद जो उसकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी वो आपको 200 ग्राम चावल से ज्यादा एनर्जी उसको मिलेगी। तो फैट जो होता है बहुत एनर्जी देता है। और ये फैट अगर, हाँ एक और प्रश्न आपकी बात है स्टूडेंट्स कि अगर फैट कंज्यूम नहीं हुआ तो क्या होगा, हम घी तो खा लिए, बटर खा लिए, ऑयल ले लिए, मिल्क ले लिए, बहुत सारा चीज लिए, और अगर हम उसका कंज्यूम नहीं किए, हम फिजिकल वर्क नहीं किए हैं, तो ये हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। और जब बॉडी में जमा होता है तो आदमी थोड़ा फैट हो जाता है और उसको कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा। तीसरी बात है प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है इसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारे शरीर में बॉडी बनाता है, हमारे शरीर को बनाता है, हमारे सेल्स को डिवाइड करने में मदद करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। ये प्रोटीन जो मिलता है मेन लेगुमिनस प्लांट्स दलहनी चीजें मिलती है, बीन सोयाबीन से परिचित ही है, फिश एक, इन सब चीजों में क्या होता है प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है, हमारे बॉडी को बनाने की शक्ति। चौथा टॉपिक है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन जो हमारे शरीर को रोग मारने की शक्ति देता है, मिनरल्स जो जिसकी मात्रा इसको माइक्रो कहते हैं, इसकी मात्रा बहुत कम बॉडी को होती है और लेकिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। जैसे आप एक सपोज करें कि आपके पास बहुत अच्छी सब्जी बनी है लेकिन उस सब्जी में नमक नहीं है, क्या आप उसको खा पाएंगे, नहीं खाएंगे, बट इट इज नॉट मच टेस्टी। तो नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड किसमें आता है, मिनरल्स में। तो वेजिटेबल और मिनरल्स जो होते हैं ये कम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स की तुलना में ये कम हमको चाहिए, बट इट इज एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ। ये मिलता है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, फिशेस में,
मिल्क में और न्यूट्रल्स खास तौर पर मिलता है सलाद में, जो ग्रीन रॉ वेजिटेबल्स को काट के हम यूज करते हैं, जिसको कॉमन भाषा में सलाद कहते हैं, सलाद में मिलता है। उसके बाद वाटर, आप एक बार जानते हैं पानी, वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा जो चीजें होती है, जो टॉक्सिक चीजें होती है, वो बॉडी से बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट। जैसे हमारी बॉडी का 70% वेट जो होता है वो वाटर पर डिपेंड करता है, और हमें एवरी डे 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, हर दिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर हम इन चीज कंपोनेंट्स को, फूड को अगर हम अपने पाम पर समझे, ये पाम हमारा, तो कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, ये प्रोटीन है, ये विटामिन एंड मिनरल्स है, और ये क्या है, वाटर है, और ये पांचों चीजें जो हैं अगर मिल गई, पूरी हो गई, तो ये हमारी स्ट्रेंथ बनती है। और इस पांचों चीज अगर फूड मिलता है तो ऐसे फूड को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। अगर बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो वी बिकम हेल्दी, हम किसी तरह के डिजीज से लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए आपके बॉडी में तो आप विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी चीजें बताएंगे।